जब प्रमाद से घिर लिया, घिर गया इंद्र तो शासन भी चला गया। बड़ी चीज है प्रमाद, तो शासन भी चला गया। नमोची परस्परवा बलि आदि ने आक्रमण किया, स्वर्ग को घेर लिया, सुरबालाएं अप्सराएं गंधर्व कन्याएं और यम वर्ण कुबेर आदि बंधक से बन गए, याचक बन गए, इंद्र स्वयं श्रीहीन हो गए। तब गुरु ने उन्हें विचार दिया कि समुद्र मंथन किया जाए और भगवान निसंदेह हमारे साथ रहेंगे, चूंकि हम धर्म के साथ हैं। और यह हमने अनुभव किया है, जो धर्म का त्याग नहीं करते, धर्म उनका भी त्याग नहीं करता। अपना शील संभाल के रखना, अपने पवित्र को बचा के रखना, भले ही संपदा गई बलि के हाथों में, लेकिन इंद्र श्रीहत नहीं हुए, तेजहीन नहीं हुए। उनके हाथ में, उनके पास गुरु थे। गुरु ने कहा मैं समाधान निकालूंगा। और मुझे बहुत पुरानी बात एक याद आती है, जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ से होती है। पक्का सदगुरु मिल जाए तो बात खुदा से होती है। गुरु माने विचार को संभाल कर रखना, अपने साधन को, अपनी आध्यात्मिकता को सहेज कर रखना। गुरु का अर्थ यह नहीं किसी साधु का चित्र और जेब में रख लो, नहीं, वो श्रद्धा की बात है। गुरु का अर्थ कुछ और मत ले जाना, अपनी श्रद्धा को सहेज के रखना, स्वीकार्यता आप में रहे, आपकी नैतिकता का बल आपके पास रहे। देवगुरु बृहस्पति ने उद्यम के लिए उकसाया कि चलो कुछ उद्यम करते हैं, पुरुषार्थ करके, श्रम के द्वारा, समुद्र मंथन करके और अमृत पाया जा सकता है। इसलिए वो मनोमंथन की कथा भी है, समुद्र मंथन माने मनोमंथन की कथा, पुरुषार्थ के द्वारा। और देखो तो सही, समुद्र मंथन में अमृत के लोभ में सब इकट्ठे हो गए, सारी विचारधाराएं इकट्ठी हो गई। मेरे शब्दों को अन्यथा मत लेना, नहीं भैया मत लीजिए, बड़े लोभ में सब इकट्ठे हो जाते हैं कभी कभी, बड़े लोभ में सब इकट्ठे हो गए। दैत्य और देव, दनुज और मनुज, नाग किन्नर यक्ष गंधर्व, सब परस्पर एक दूसरे का बैर, और सब इकट्ठे हो गए। देवता भी धनुजों के साथ हैं, धनुष देवताओं के साथ हैं, शुक्र बृहस्पति के साथ हैं, बृहस्पति शुक्र के साथ हैं। अब हमको बहुत तो ज्योतिष नहीं आती है, उतनी आती है कि मुहूर्त आदि निकालना जानते हैं, बस उतनी सी आती है। जानते हो क्या है, शुक्र और बृहस्पति कभी इकट्ठे नहीं होते, कभी नहीं। शुक्र बृहस्पति आमने सामने रहते हैं, लेकिन अच्छा कार्य होगा, एक उद्यम हो रहा है, एक पुरुषार्थ हो रहा है, उद्यम में, पुरुषार्थ में, उत्कर्ष में, उन्नयन में और किसी मांगलिक कार्य में साथ हो जाइए। और ये बुद्धिमत्ता थी, शुक्राचार्य की बात मानी दैत्यों ने, बृहस्पति की बात मानी देवताओं ने, एक साथ होकर समवेत होकर श्रम करने लगे और मंथन करने लगे। समुद्र मंथन माने मनोमंथन, और विष निकला। मन तो विषय आसक्त है, विषय ही तो है मन के पास, विष ही तो है, और क्या है इंद्रियों के पास में। तो कहते हैं विष कुंभ निकला, समुद्र मंथन में तीन घट निकले, एक विष कुंभ निकला, बहुत अधिक जब संपदा आ गई तो वारुणी निकली, उस वारुणी के बाद ही अमृत आया था। वैसे तुम अमृत के अभ्यासी हैं, अमृत के पुत्र हैं, हम भारत के लोग तो अमृत अभ्यासी हैं, अमृतस्य पुत्रा। अच्छा, हम भारत के लोगों को तो अमृत बनाना आता है, गाय की पांच चीजें इकट्ठी कर दो वो पंचामृत हो गया। महापुरुषों के चरण धो लीजिए, माता पिता के, अतिथि अभ्यागत आगंतुकों के, अथवा संत सत्पुरुषों के, अथवा मान्य पुरुषों के,
हमारे अतिथि के चरण धोने की परंपरा है, सत्पुरुषों की पाद्य पूजा करने की परंपरा है। तो आप महापुरुषों के चरण पखार लीजिए तो उसे पता है क्या कहते हैं भारत के लोग, चरणामृत, चरणामृत, पंचामृत। पर शास्त्र ने एक और बात कही कि अगर आपको चरणामृत ना मिल सके, गौ की पांच चीजें ना मिल सके जिसका नाम पंचामृत है, सत्पुरुषों की चरण धोने का अभ्यास न हो और वो आपको न मिल सके, क्योंकि उसके उसके लिए बड़ा अभ्यास चाहिए। अतिथि अभ्यागत आगंतुक अथवा शीर्षस्थ संत सत्पुरुषों के पाद्य पूजन के लिए बड़ा अभ्यास चाहिए, वो सामान्य अभ्यास से नहीं होगा। तो आपको पंचामृत नहीं मिल पाया, चरणामृत नहीं मिल पाया, तो एक अमृत सहज सुलभ है, जानते हो वो क्या है? कथामृतम, वचनामृतम, ज्ञानामृतम, तव कथामृतम तप्त जीवनम। अच्छा, कुछ लोग आलसी कहें जी कथा के लिए भी समय नहीं है, चरणामृत पंचामृत और कथामृत के लिए समय नहीं है, वचनामृत के लिए भी समय नहीं है। तो हमने एक शास्त्र में पढ़ा है कि अगर इस अमृत के लिए भी समय नहीं है तो एक और अमृत है, उसका नाम है नामामृतम। भगवान के नाम में अमृत है। यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वः। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम शवाह्याभ्यंतरः शुचिः। ओम पुनन्तु देवजनामां पुनन्तु मनसाध्या पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेद पुनीहमां। उनका उनका स्मरण कर लीजिए, नाम ले लीजिए, स्मरण कर लीजिए। वीतराग विषम वा चित्तम, जब आपके चित्त में विषैलापन हो, विषाक्तता हो, हीयता हो, दौर्बल्यता हो, विचार के अभाव के कारण आप अधिक असहज हो, तब क्या करना चाहिए? वीतराग विषम वा चित्तम, किसी वीतराग महापुरुष का स्मरण कर लो, भगवान के नाम का स्मरण कर लीजिए, वो भी अमृत है। एक भक्ति ग्रंथ में एक जगह हमने लिखा देखा, दृश्यामृतम, दृश्यामृतम। कभी कभी किसी के दृश्य से भी अमृतानुभूति होती है। इसलिए सच मानिए, हम भारत के लोग तो इतने बावरे हैं, इतनी यूरोप की आबादी नहीं होगी जितनी जितने भारत के लोग तीर्थ यात्रा में दर्शन करने के लिए रेलगाड़ी में बैठे हैं। भाई क्या करने जा रहे हो? वैष्णो देवी, जगन्नाथ, ये कुंभ के मेले में क्या करने जा रहे हो? डुबकी लगाने और महापुरुषों के संतों के दर्शन, दर्शामृतम। तो ऐसे करके ये तीन कुंभ निकले थे,